लोगों के लिए जीवनदायिनी कही जाने वाली 108 व 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों की सुनने वाला कोई नहीं है। हाल ये है कि कोर्ट के आदेशों के जीविकी के 108 व 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बीते 4 माह बाद अधूरा वेतन दिया गया है, जिससे सैकड़ों कर्मचारियों में हताशा है। हमीरपुर में एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल पंप मालिक भी डीजल देने से इनकार कर दिया है, जिस कारण मेडिकल कॉलेज के अंदर और बाहर एम्बुलेंस के पहिए जाम हो गए हैं। हमीरपुर 108 एम्बुलेंस के चालक जगदीश ने बताया कि उनको पिछले कई माह से वेतन नहीं मिल रहा है और 2 दिन पहले वेतन मिला भी है तो वो भी आधा अधूरा। उन्होंने कहा कि उनका कंपनी द्वारा शोषण किया जा रहा है और सरकार भी इस मामले पर गंभीर नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में एक ही दिन का डीजल बचा है और कल से अकेली दौड़ रही एम्बुलेंस भी चल नहीं पाएगी। आपको पैसे डले हैं कितना, क्या रखेंगे सर? वो भी काट के लिए, 2-3 हजार रुपये काट लिया हमारा। और गाड़ी खड़ी थी ये, यानी कि 1 महीने से खड़ी थी, उसका कोई पैसा नहीं दिया। आओ ले ले। तो क्या अभी जो आपको डीजल के लिए आ रहा है खर्चा? डीजल के लिए गाड़ियों में तेल डाल नहीं रहे, तो अगर तेल नहीं डलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? क्या आपको, आपकी बात हुई आप ऊपर, क्या खड़ी हो जाएगी? खड़ी होगी, एक तो खड़ी होगी तेल की वजह से। आई एफ टी खड़ी है तेल की वजह से। फिलहाल कितनी गाड़ी चल रही है अपने मीरपुर में? 9 गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें से एक ब्रेक डाउन टौनी देवी, एक टौनी देवी की ब्रेक डाउन है पिछले कुछ दिनों से, और IFT आज डाउन होगी। एक अन्य एम्बुलेंस चालक ने बताया कि वेतन भी कम डाला गया है और डीजल के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप पर डीजल की पेमेंट नहीं होने से डीजल नहीं डाला गया है। उन्होंने कहा कि अब जैसे प्रदेश कार्यकारिणी निर्णय लेगी वैसे ही काम किया जाएगा। सारी कम डाले, 2000 से कम आया। तो बात हुई आपकी प्रबंधन से, क्या बोल रहे हैं क्यों कम डाली? वो बोलते अकाउंट चेक करेंगे आपका। तो आपने क्या अपनी सेवाएं कंटिन्यू दी नहीं दी है, कब डाली थी कम? नहीं नहीं, गाड़ी पीछे ब्रेक डाउन थी ना, उसकी वजह से, हड़ताल की वजह से। तो अब भी डीजल का पंगा है कुछ, क्या इस पे? डीजल पंप वालों को पेमेंट नहीं दिया, वो चलिंग डाल रहे हैं, इसकी वजह से गाड़ी खड़ी है इसकी। तो आप इम्प्लॉयियों का क्या कहना है आगे, क्या करेंगे अगर डीजल नहीं मिलता है आपकी नहीं, आपकी डेली लगेगी तो? अभी तो वो तो यूनियन के ऊपर है ना, क्या डिसीजन लेते हैं। पेट्रोल पंप पर पेमेंट नहीं हो रही इनकी, तेल की वजह से गाड़ी खड़ी है। एक नहीं है, ये कितना चल पाएगा? एक दिन निकाल लेगा कि दो? अगर इसका लॉन्ग रूट का केस लग पड़ा तो ये निकाल लो, यानी कि रात के लोग डाली ना उन्होंने, अगस्त के भी डाली नहीं, सितंबर चलो हुआ है।